नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा हाजिर हूँ आप सभी के सामने आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिषन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ बहुत ही अलग चीज़ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको कोई प्रेडिक्शन बताने नहीं आया हूँ, किसी चीज़ की कोई भविष्यवाणी करने नहीं आया हूँ, ना ही कोई कैलकुलेशंस लेके आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देने आया हूँ, आप सभी का आभार व्यक्त करने आया हूँ। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इस चैनल को, जो कि आपका अपना चैनल है ज्योतिषन वास्तु, उसको आज एक साल हो गया है। यहाँ पे एक साल, हालांकि 11 मई 2020 को हुआ था, बट आज के दिन से मैंने वीडियोस एक अच्छे लेवल पे बनाना स्टार्ट किया था और आज ही के दिन हम एक साल को टच कर चुके हैं। यहाँ पर एक साल की जो जर्नी थी वो बहुत ही डिफरेंट थी। आई नेवर एवर एक्सपेक्टेड कि आई विल रीच टू दिस लेवल एक्चुअली। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बस वही चीज़ आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। काफ़ी लोगों के काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं जो कि मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ, तो उन सभी के जवाब मैं आज इस वीडियो में देने वाला हूँ। कोशिश करूँगा कि काफ़ी हद तक मैं जवाब क्लियर करूँ। सबसे पहली चीज़ कि आप 13,000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं एक साल में। 13,000 सब्सक्राइबर्स बहुत 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 बड़ी बात है। जब मैंने शुरू किया था चैनल को, तब ये नहीं सोचा था कि 13,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुँचूँगा या इतना बड़ा नंबर मैं देख पाऊँगा। क्योंकि मैंने जब लर्न किया था तब पता चला था कि YouTube पे वीडियो बनाना और उस वीडियो में फेमस होना या उस वीडियो को सक्सेस करना बहुत ही मुश्किल टास्क है और बहुत सारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, बट इतना टाइम शायद नहीं था कि उन मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ को अपनाया जाए या Facebook पे शेयर किया जाए या Instagram पे शेयर किया जाए। शायद इतनी सारी चीज़ें मैंने नहीं करी। अगर आप चाहें तो मेरे ज्योतिष के चैनल को जाके आराम से देख सकते हैं, आपको शायद वहाँ पर इतने ज़्यादा वीडियोज़ नहीं मिलेंगे। क्यों? बहुत सारे, सबसे पहले एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ। काफ़ी लोग पूछते हैं कि आपका क्या एस्ट्रोलॉजी प्रोफेशन है, क्या आप एस्ट्रोलॉजी सिखाते भी हैं और एस्ट्रोलॉजी आपने सीखी कहाँ से है? क्योंकि बहुत सारे प्रेडिक्शंस मैंने ऐसे दिए हैं जो काफ़ी ज़्यादा सटीक गए हैं। मैंने क्रिकेट के प्रेडिक्शंस किए हैं जो कि बहुत एक्यूरेट गए हैं। इवन दो वर्ल्ड कप फाइनल का आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। मैंने मार्केट, शेयर मार्केट्स के, गोल्ड और सिल्वर के प्रेडिक्शंस किए हैं जो कि बहुत ज़्यादा एक्यूरेट गए हैं। मैंने नेचर को लेके काफ़ी ज़्यादा प्रेडिक्शंस किए हैं, जो कि अभी रिसेंटली मैं भूकंप का प्रेडिक्शन किया है, वो आपका एक्यूरेट गया है। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे प्रेडिक्शंस हैं मेरी वीडियो लिस्ट में, आप देख सकते हैं, जो कि पूरी तरह से सही हुए हैं। और काफ़ी ऐसे यूनिक वीडियोज़ थे जो कि शायद आपको यूट्यूब पर कहीं और ना मिले, वो शायद आपको यहीं पर पहले मिले, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा हद तक सही गए हैं। और यही एक रीज़न था इस चैनल को आगे तक लेके आना। और आज की डेट में 340 वीडियो आपको YouTube पे मेरे चैनल पे मिलेंगे। 340 वीडियो बनाना और 340 वीडियो को मेंटेन करना बहुत मुश्किल था। हालांकि कुछ वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए और कुछ वीडियो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। तो लाइफ में अप्स एंड डाउन हमेशा चलता रहता है। तो ये सवाल था कि क्या मेरा एस्ट्रोलॉजी फुल टाइम है, तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी एक ज्योतिष विद्या जो मैंने सीखी है, ये शायद मैं 12 साल से इसे सीखता हुआ आ रहा हूँ। और हाँ, फैमिली में अगर बात करें तो डेफिनेटली पुश्तैनी काफ़ी थे, बड़े बड़े महान जो ज्योतिष से संबंध रखते थे। बट यहाँ पर मेरा अगर बात करें पर्सनली, तो मैं पर्सनली 12 साल से ज्योतिष विद्या सीख रहा हूँ। ज्योतिष के अलावा आई हैव डन बीटेक ऑल्सो, आई हैव डन एमबीए ऑल्सो, आई एम अ प्रोफेशनल पर्सन ऑल्सो, टेक्निकल का एक्सपर्ट बोल सकते हैं आप, मैनेजमेंट का एक्सपर्ट बोल सकते हैं आप, आई हैव माय ओन आईटी स्टार्टअप आल्सो। सो ज्योतिष इज नॉट द ओनली थिंग विच आई एम डूइंग, बट ज्योतिष इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच आई एम डूइंग फॉर यू। तो यहाँ पर ज्योतिष में आना, 12 साल से ज्योतिष को सीखना और आज इस लेवल पर ज्योतिष को स्टार्ट करना, दिस इज काइंड ऑफ अ जर्नी ऑफ द लाइफ एंड लाइफ ऑलवेज टीच टू मे सो मेनी थिंग्स एंड अप्स एंड डाउन्स आपको बहुत कुछ सिखा जाते हैं एंड दैट इज द एक्सपीरियंस ऑफ द लाइफ ऑल्सो। सो आज इस वीडियो में मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सभी के साथ से, आप सभी के सपोर्ट से और आप सभी की मेहनत के साथ साथ आप सभी के प्यार से मैं आज इस लेवल पे पहुँचा हूँ कि आज मैं आप सभी को धन्यवाद दे पा रहा हूँ। और आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि इसी तरह से ये प्यार, ये धन्यवाद और ये विश्वास आप लोगों का बनाए रखिएगा। कभी कुछ गलती हो जाए तो माफ़ भी करिएगा और कभी कुछ अच्छा लगे तो प्यार भी देते रहिएगा। कोई भी आपको चीज़ लगे कि जो मैंने मिस्टेक करी है, आप मुझे प्लीज़ तुरंत करेक्ट करें, मैं उसको देखूंगा, उसको करेक्ट करने की कोशिश करूंगा। आपको अगर कुछ लगे कि मैंने बहुत ज़्यादा अच्छा किया और आपको लगे कि ये चीज़ दूसरों को पता चलनी चाहिए, तो आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि उस चीज़ को आप दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएँ। और इसी के साथ साथ वीडियो के साथ बने रहिएगा। आप भी अगर चाहें किसी और वीडियो में
किसी किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना है स्पेसिफिकली, तो आप मुझे बिल्कुल बनाइए बताइएगा, मैं उस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। और मोस्टली आप देखेंगे मेरे वीडियोस में, खास बात शायद आप लोगों ने नोटिस भी अगर कभी करी हो कि कभी कभी मिस्टेक्स छोटी छोटी हो जाती है। ऐसा इसलिए होने का रीज़न एक भी ये भी है कि मेरे जो वीडियोज़ होते हैं वो विदाउट कट होते हैं, लाइक एक ही फ्रेम में पूरा वीडियोज़ मैं शूट करता हूँ, बार बार ब्रेक नहीं करता, बहुत ज़्यादा लिख के नहीं रखता, कैलकुलेशंस करता हूँ और वही कैलकुलेशंस एज इट इज़ आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। तो इसीलिए उसमें ज़्यादा मैं एडिटिंग करने की कोशिश नहीं करता, जो एडिटिंग कर इजी होता है या एडिटिंग करना बहुत आसान होता है सबके लिए, पर मैं चाहता हूँ कि जो है उसे एज इट इज़ रखा जाए, ना कि उसे मोल्ड करके तोड़ मड़ोड़ के रखा जाए, बेटर है कि जो है उसे एज इट इज़ रखा जाए। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी का बस ऐसे ही प्यार मिलता रहे, ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखिएगा, और इस चैनल को अभी और भी आगे लेके जाना है और इस चैनल को अभी और भी आगे तक आप सभी को बढ़ाना है। और ये मैं अकेला बिल्कुल नहीं कर सकता, ये आप ही कर सकते हैं। आई एम जस्ट अ मीडियम बिटवीन यू एंड दिस चैनल, तो मैं आप सभी का सपोर्ट बन के ही इस पर काम कर सकता हूँ, अदरवाइज अगर आप नहीं है तो शायद मैं भी नहीं रह पाऊँगा। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बहुत सारी नई नई चीज़ें हैं जो मैं अभी स्टार्ट करने वाला हूँ। और अगर आप भी इसमें मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, कुछ एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कुछ मैं नई चीज़ें और स्टार्ट कर रहा हूँ, कुछ नए काम स्टार्ट कर रहा हूँ, उसमें भी मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिएगा, टाइम बाय टाइम मैं ज़रूर आके बताता रहूँगा। अगर आप भी कोई बिजनेस में माइंड रखते हैं, एस्ट्रोलॉजी में कुछ माइंड रखते हैं, कुछ अपनी तरफ से कुछ करना चाहते हैं, कुछ इनोवेटिव आपके पास आइडियाज़ हैं, प्लीज़ आप शेयर करिए मेरे साथ, बताइए मुझे, सो दैट कि अगर हम साथ में मिलकर और अच्छे से काम कर पाएँ तो ये आप सभी के लिए और मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, और जल्दी और नए वीडियोस, नए प्रेडिक्शंस आपके सामने आते रहेंगे, उन्हें लाइक करते रहिएगा, प्यार देते रहिएगा और सब्सक्राइब करके चैनल पे बने रहिएगा। धन्यवाद।